जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर से बड़ी खबर आ रही है, जहां आतंकी हमला हुआ है। आतंकी हमले में दो पुलिस वाले शहीद हो गए हैं। और बता दें आपको कि आतंकियों का सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। कल स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है, उससे पहले ये बड़ी आतंकी वारदात हुई है जम्मू कश्मीर के नौगाम इलाके में, जो आतंकी हमला हुआ है। आपको बता दें आतंकी वहां पर आए, फायरिंग करनी शुरू कर दी और इस फायरिंग में दो पुलिस वाले जो हैं वो शहीद हो गए हैं नौगाम सेक्टर से। ये बड़ी घटना आ रही है और अब उसके बाद सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में चलाया जा रहा है कि जो आतंकी फायरिंग करके भागे हैं वो कहां भागे हैं, उनको पकड़ने के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दो पुलिस वाले इसी जगह पर शहीद हुए हैं, आतंकी फरार हुए हैं और ये जो पूरा इलाका है उसको पूरा घेर लिया गया है। और इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर के आईजी क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। गुलशन गली से दो टेररिस्ट आए और हमारे लड़कों को पीछे से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया, जिसमें हमारे दो सिपाही शहीद हो गए, एक जख्मी हुए। हम लोग पूरे एरिया को कॉर्डन कर लिए हैं और इसमें जैश मोहम्मद का हाथ लगता है प्राइमरी फेसिस से, और इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कॉर्डन चल रहा है, सर्च चल रहा है, देखते हैं। सर, इस तरह के इनपुट्स पहले थे आपको कि ऐसा कुछ वाका पेश आ सकता है? हाँ बिल्कुल था, हर एक 26 जनवरी 15 अगस्त के पहले ऐसा इनपुट आते रहता है। इसका भी इनपुट था कि किसी भी एरिया में स्ट्राइक कर सकता है। लड़के हमारे अलर्ट थे, आप जैसा देखे होंगे बीपी जैकेट पटका भी पहने थे, पूरा मुफ्ते था, एक पीछे से छिप के आ गया और फायर किया, जिससे हमारे दो लड़के शहीद हो गए। लेकिन हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर लिए हैं कौन है, जैश मोहम्मद ग्रुप का है और बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे।